अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा आलू की रेसिपी, जिसकी जो सालन रहेगा ना, जो आप ग्रेवी बोलते हो, वो इतनी मज़ेदार की बनेगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप किसी को अगर दावत देते हो तो ये अंडा आलू ज़रूर ट्राई करिएगा, उन सबको बहुत पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे, उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है ना कि आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए और सीख जाओगे। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाले रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ले लिया, वैसे आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1 मैंने प्याज लिया है, वो भी मीडियम साइज़ का है। 8 से 9 मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, लहसुन की कलियाँ, और 1.5 इंच का मैंने अदरक लिए, मतलब कि 2-3 टुकड़े आप ले सकते हो। ये हमारे जो मसाले हैं इसको हमें कर लेना है ग्राइंड, थोड़ा सा पानी डालने के बाद। ये देखिए इस तरीके से ये ग्राइंड हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे दूसरी साइड एक बर्तन, उसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून तेल का यूज़ किया है। फिर हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए अंडे। तो यहाँ पर मैंने 7 अंडे लिए हैं, उसको थोड़ा सा मैंने चक्कू से इस तरीके से कट्स लगाया है, और तेल को अच्छी तरीके से गर्म करना है। उसके बाद हमें इसमें अंडे को फ्राई कर लेना है। अंडे में कट लगाने से क्या होता है, अंडे है ना कभी फटते नहीं हैं, और मतलब कि इसके जो छींटे हैं ना वो कभी भी बाहर नहीं आते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से अंडे को कट लगा के हम फ्राई कर लेंगे। और हम एक टाइम में 2 या 3 ही अंडे डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर एक साथ अगर आप पूरे अंडे डालोगे ना तो तेल क्या है ठंडे होने के चांसेस होते हैं, और हमारे जो अंडे हैं वो नीचे चिपकने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम एक टाइम में 2 से 3 ही अंडे डालेंगे। जब हमारा अंडा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि हमारा जो तेल है वो ठंडा हो चुका है, तो 30 से 40 सेकेंड आप थोड़ा रुक जाइएगा। फ्लेम तो हमारा हाई ही रहता है, हम हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करते हैं। तो रुक के उसके बाद हमारा जो बचा हुआ अंडा रहेगा उसको हम इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो तेल ठंडा नहीं रहेगा, और हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये फटाफट से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो अंडा है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो इस तरीके का आपको कलर देना है, सुनहरा गोल्डन कलर। तो हमारे जो अंडे हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो गए, तो हम इसमें से निकाल लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है उबले हुए आलू। तो 8 से 9 मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं ना, उसको अच्छी तरीके से उबाल लिया था। तो उस आलू को अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। बिना फ्राई किया हुआ आलू हम अंडे में नहीं डालेंगे, फ्राई से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए हमेशा अंडा आलू में ना आपको आलू को हमेशा फ्राई करना है, तेल में थोड़ा सा उसको तल लेना है। इससे आलू का भी टेस्ट अच्छा आता है, और जो हम ग्रेवी बनाएंगे, जो हम सालन लगाएंगे ना, इससे भी उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारे जो आलू है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू के 2 टुकड़े किए हैं, अगर आपको 4 टुकड़े करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। इसके साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटे थे इसलिए मैंने हाफ किए हैं। तो इसी तरीके से हम आलू को फ्राई करके एक साइड पर रख देंगे। फिर हम उसी सेम तेल में एक छोटी सी दालचीनी डाल देंगे, 2 इलायची, 3 लौंग और 3-4 काली मिर्च डाल देंगे, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। उसके बाद जो हमने मसाले रेडी किए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच इसमें डाला है हल्दी, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें जीरा पाउडर, 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। वैसे लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। फिर ब्लेंडर में जो मसाले लगे हुए थे ना, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। अगर आपको टमाटर यूज़ नहीं करना है तो इसके बदले आप 1/2 कप दही भी डाल सकते हो। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक का यूज़ किया है। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। मिक्स करने के बाद हमें इसे कुक करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। जब हमने इसकी लीड ओपन की तो ये अच्छी तरीके से हमारा जो ऑयल आप देख सकते हो वो परफेक्टली सेपरेट हो गया है, और जो हमारे टमाटर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमारी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार है। ये थोड़ी सी स्टिकी हो रही थी नीचे,
तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने आलू और अंडे को फ्राई किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम वापस से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमने अंडे आलू डाले थे उसको भी अच्छी तरीके से हमें कर लेना है मिक्स। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे अंडे और आलू में भी अच्छी तरीके से ग्रेवी की खुशबू आ जाएगी। तो ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड को ओपन कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी को। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है। तो आपको इसमें पानी अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना इसमें पानी डाल सकते हो। उसके बाद हमें इसे स्टर कर लेना है। इस टाइम पे आप नमक का भी चेक कर सकते हो, अगर आपको कम लगता है तो आप इस टाइम पे नमक को ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें बॉईल आने देना है। जब इसमें बॉईल आने लगे तो फ्लेम को कर देना है धीमा। धीमा करने के बाद हमने इसमें पानी डाला था, तो सिर्फ लीड को कवर करके 5 मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे। इससे जो हमने इसमें पानी डाला था, जो हमने सालन लगाया था, वो भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड को ओपन कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे धनिया। अगर आपको पुदीना डालना है तो आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हो। धनिया डालने के बाद हम इसे कर लेंगे मिक्स अच्छी तरीके से, और फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद। तो यहाँ पर हमारा जो अंडा आलू है वो बन के तैयार है। तो आप देख सकते हो ये कितना लजीज और कितना टेस्टी लग रहा है, और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार का बना था। तो चलिए, अब हमें इसे डिश आउट के लिए निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे गर्मा गर्म ही एक बाउल में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो, इसका जो सालन है, इसका जो अंडा आलू का टेक्स्चर था, वो बहुत ही मज़ेदार का बना था। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था अदरक के टुकड़े। इससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है, मतलब इसकी जो बाइट हमारे मुंह में आती है बहुत ही मज़ेदार का बन जाता है। तो लीजिए, बन के तैयार है हमारा डिलीशियस ग्रेवी वाला सालन वाला अंडा आलू। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो इसको भी प्रेस कर देना। इस तरीके से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।